हेलो फ्रेंड्स, रतलामी जायके में आपका वेलकम है। आज मैं आपके साथ मार्केट स्टाइल खमंड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे हम बिना दही बिना इनो के सिंपल तरीके से बनाएंगे, जो सिर्फ 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। ये देखिए खमंड कितने जालीदार बने हैं। और इसके साथ हम एक खास चटनी बनाएंगे जो खमंड का टेस्ट और बढ़ा देगी। बाउल में 2 कप और 1/4 कप बेसन लेंगे। ये कप मेरा 200 ml का है। मैं आपको मेजरिंग कप और मेजरिंग स्पून से ही बताऊंगी, ताकि आपकी खमन एकदम परफेक्ट बने। बेसन को छलनी से छान लेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ निकल जाए, और इसमें कभी कभी बेसन में कचरा भी आ जाता है तो वो भी निकल जाएगा और हमें खमन बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। लास्ट में ये बेसन की जो गुत्थियाँ हैं उसे चम्मच से इस तरह से दबा लेंगे और इसे भी हम छान लेंगे। अभी हम बेसन को साइड में रख देंगे और जार में 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच टाटरी, इसे नींबू का सद भी कहते हैं, 1/4 चम्मच हींग, 1/4 चम्मच हल्दी, मतलब 2 चुटकी हल्दी डालना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं डालना है। अगर आप ज़्यादा हल्दी डाल देंगे तो आपकी खमंड थोड़े से लाल हो जाएंगे। 1 कप पानी डालेंगे, 5 चम्मच पीसी हुई शक्कर डालेंगे, इससे खमंड में स्पंज बहुत अच्छा आएगा। 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे और इन सभी चीज़ों को हमें मिक्स करना है, तो ब्लेंडर में हम मिक्स होने तक इसे ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए ये कितना फ्रोदी बना है, इसे मैंने मिक्स होने तक ही ब्लेंड किया था। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालेंगे। आप सोच रहे होंगे कि खमन बैटर बनाना मैं आपको ब्लेंडर में बता रही हूँ, लेकिन 100% मेरी गारंटी है कि अगर आपने इस मेथड से इसे बना लिया तो हर बार आप इसी तरीके से बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा बेसन और डाल देंगे। जो बाकी बचा हुआ बेसन है वो भी इसमें डाल देंगे। तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा करके 3 पार्ट में इसे मैंने डाला है। अब इसमें मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा है, तो इसमें 1 कप पानी हम और डाल देंगे और इसे 1 मिनट तक हम ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए खमंड बैटर बनकर हमारा तैयार हो गया है। और इसमें आप देखिए कितने बबल्स आए हैं। बैटर में बबल्स आना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी ये पहचान है कि आपके खमन एकदम जालीदार बनेंगे। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा। अगर ज़्यादा गाढ़ा रहेगा तो आपके खमन ठोस बनेंगे, और पतला रहेगा तो आपके खमन अच्छे नहीं बनेंगे। अब हम इसे ढककर 20 मिनट के लिए रख देंगे। बैटर को आप जितनी देर तक रखेंगे उतने अच्छे आपके खमन बनेंगे। ये मैंने एक बड़ा तपेला लिया है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, और मेरे पास ये छलनी है तो हम इसे रख देंगे। आपके पास कोई भी बर्तन हो आप इस तरीके से प्लेट रख दें, आपके पास अगर रिंग है तो आप वो भी रख सकते हैं। थोड़ा सा पानी हम इसमें और डाल देंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि खमंड के ऊपर पानी नहीं आना चाहिए। ये देखिए मैंने इसमें पानी इतना कम रखा है, तो ये 2 इंच नीचे है पानी। जिसमें आपको खमंड बनाना है उसमें आप सबसे पहले तेल लगा लें, अगर आप थाली में बना रहे हैं तो थाली में तेल लगा लें। ट्रे के चारों साइड भी हम कॉर्नर्स पर लगा लेंगे इस तरह से। ये मेरे पास 2 छोटी छोटी ट्रे है तो मैं इसमें बना रही हूँ। आप एक ही बार में अगर थाली में बनाना चाहें तो आप उसमें भी बना सकते हैं। 20 मिनट हो गए हैं और ये देखिए बैटर कितना बढ़िया हो गया है। बैटर को आप कम से कम 20 मिनट जरूर रखें, इससे आपके खमन बहुत अच्छे बनेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच खाने का सोडा डालेंगे, इसे मीठा सोडा भी कहते हैं, और इसे हम तुरंत मिक्स कर लेंगे। आपको एक ही डायरेक्शन में इसे मिक्स करना है, आप दोनों साइड से नहीं करें। तो देखिए इस तरह से मिक्स करते रहें और देखिए ये बहुत अच्छे से फूल गया है। इसे हमें बहुत ज़्यादा देर तक पेटना नहीं है, बस जैसे ही ये मिक्स हो जाए हम इसे ट्रे में डाल देंगे। तो चलिए भैया हम ट्रे रख देते हैं पहले,
और इसमें अब हम बैटर डाल देंगे। बैटर आपको बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं डालना है, बस आधा ही इसमें डालें क्योंकि ये थोड़ा फूलेगा। बाकी जो बचा हुआ बैटर है उसे भी मैं दूसरी ट्रे में डालकर स्टीम ले दूँगी। इस पर पहले हम कपड़ा रखेंगे और फिर थाली। इससे क्या होगा कि जो स्टीम का पानी है वो डायरेक्ट खमंड पर नहीं जाएगा। खमंड बन रहा है तब तक हम चटनी बना लेते हैं। ये बहुत ही टेस्टी चटनी है, तो इसे बनाने के लिए जार में हम 1 कप धनिया डालेंगे, 5 से 6 करी पत्ता डालेंगे, आप इसकी जगह पुदीना भी ले सकते हैं, 3 से 4 हरी मिर्च, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच शक्कर और 1/2 नींबू का रस। इसमें मैं 2 खमंड डालूंगी, तो इस तरह से तोड़कर डाल देंगे। इससे चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, अदर चटनी से अलग इसका टेस्ट आएगा। और चटनी अच्छे से पिसा जाए हम उतना ही इसमें पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस आवश्यकता अनुसार ही अब इसमें पानी डालें और इसे हम बारीक पीस लेंगे। ये देखिए चटनी का कलर कितना अच्छा आया है और हमने इसे खट्टा मीठा बनाया है, तो खमन के साथ ये खट्टी मीठी चटनी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप कुकर में खमंड बना रहे हैं तो इसकी आप सीटी निकाल दें, क्योंकि जो इसकी स्टीम है वो यहाँ से निकल जाएगी और खमंड पर पानी नहीं गिरेगा। 15 मिनट हो गए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। इसे हम चाकू डालकर चेक कर लेते हैं, तो देखिए जैसा मैंने चाकू डाला था वैसा ही निकला है, मतलब इसमें बेसन बिल्कुल भी नहीं चिपका है, इसका मतलब खमंड अच्छी तरह से पक चुका है। इसे हम बाहर निकाल लेंगे। ये मैंने खमन को बाहर निकाल लिया है और अब हम इन्हें ठंडा कर लेंगे अच्छी तरह से। इसे मैंने ठंडा कर लिया अच्छी तरह से, आपको गरम गरम में इसे नहीं निकालना है, तो पहले हम चारों साइड से चाकू से कॉर्नर से निकाल लेंगे। अब इस पर हम एक प्लेट रखेंगे और इसे उल्टा कर लेंगे, तो देखिए ये कितनी आसानी से निकल गया है और कितना ये सॉफ्ट बना है। देखिए आप इसे गरम गरम में नहीं निकाले, अगर आप गरम में निकालेंगे तो ये टूट सकता है। अब हम इसे चाकू से काट लेंगे। मैं पीसेस कर रही हूँ, उससे ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं। सेम इस साइड से भी हम इसके पीसेस कर लेंगे। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं ये और कितने जालीदार बने हैं। पैन में 3 बड़े चम्मच तेल डालेंगे, जैसे ही तेल गर्म होगा 1 चम्मच राई डालेंगे, 1 चम्मच तिल, कड़ी पत्ते, हरी मिर्च, 2 मिनट इसे फ्राई कर लेंगे। अब इसमें 1 कप के करीब पानी डालेंगे, 1 चम्मच पीसी हुई शक्कर डालेंगे, 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच टाटरी। जैसे ही इसमें एक उबाल आएगा तो हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। उबाल आ गया है, गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और गरम गरम हम खमंड के ऊपर डालेंगे। आपको इसे गरम गरम ही डालना है, पानी को ठंडा नहीं करना है। इसमें खमंड में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और ये एकदम सूपी बनेंगे। तो जितना भी पानी आप इसमें डाल दें, क्योंकि ये बेसन है तो ये सारा पानी सोख लेगा। ये देखिए इसमें कितनी जाली आई है और कितने सॉफ्ट बने हैं। मार्केट के खमंड और घर के खमंड अगर आप साथ में रखेंगे तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि घर के खमंड कौन से हैं। और ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये देखिए अंदर भी कितनी जाली बनी है और ये कितने सॉफ्ट बने हैं।